चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं ड्रम प्रिंटर। अपना जो टॉपिक चल रहा था आउटपुट डिवाइसेस पे चल रहा था। आउटपुट डिवाइसेस में मैंने जैसे आपको बताया कि आप आउटपुट डिवाइसेस में अभी हम लोगों का प्रिंटर का टॉपिक चल रहा था। प्रिंटर में मैंने जैसे इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को एक्सप्लेन किया था कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप इम्पैक्ट प्रिंटर का एक्सप्लेनेशन चल रहा था, जैसे सीरीज आपने देखा ही होगा, उसमें से मैंने आपको डीएमपी बता दिया। डीएमपी के बाद मैंने आपको डेसी हिल प्रिंटर बताया। आज मैं ड्रम और चैन प्रिंटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप ड्रम प्रिंटर कौन सा होता है और चैन प्रिंटर कौन सा होता है। ठीक है, चलिए तो अभी ये सभी ग्रुप में ये मैसेज भी क्रिएट हुआ है कि सभी छात्र छात्राओं को एक मौका फिर से मिला है। जो छात्र छात्राएं अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो यूनिवर्सिटी ने उस डेट को बढ़ा दी है, जो भी डेट खत्म हो गई थी 10 तारीख से, 10 तारीख तक थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने डेट को क्लोज कर दिया था। फिर अभी यूनिवर्सिटी ने डेट फिर बढ़ा दिया है, तो 22 तारीख तक आप लोग अगर जिसके भी फ्रेंड्स हों वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसका क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आए थे एडमिशन के लिए, 3 या 4 बच्चे आए थे कि बोले सर हमें एडमिशन लेना है, तो हमने बोला था कि बेटा डेट क्लोज हो चुकी है, अब तो एडमिशन नहीं होगा, डेट खत्म हो गई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई हों जुड़े हों तो आप ये मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करें। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया गया है। ठीक, तो जिनको एडमिशन लेना है उनका साल बर्बाद नहीं होगा, वो एडमिशन ले सकते हैं। ये मैसेज हमें हमारे पास आज ही में प्राप्त हुआ है, और जैसे ही प्राप्त हुआ तुरंत हमने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको वायरल करवा दिया है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा मैसेज था जो मुझे देना था आप लोगों को। दूसरी चीज़, अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें से कुछ नए बच्चे जैसे जुड़े हैं जिसके पास सिलेबस बोले कि सर सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस की भी कॉपी मैंने डलवा दिया है, और किसी को जो भी प्रॉब्लम हो वो तुरंत डिस्कशन कर सकते हैं। और बार बार एक ही चीज़ हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को ग्रुप में चैटिंग नहीं करना, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे हमें बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप में आपको चैटिंग नहीं करना, बार बार ये मैसेज डाला जा रहा है, ये बात को आपको ध्यान देना है। कुछ बच्चे बचे हैं मुझे लगता है अभी अपने एनरोलमेंट फॉर्म में साइन करने के लिए, ये याद रखिएगा एनरोलमेंट फॉर्म में आपको साइन करना होता है, क्योंकि आपकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजी जाती है। तो अब उसमें भी हमें 2-4 दिन का टाइम मिल गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें टाइम दे दिया है। तो अब आप अगर कहीं भी हैं, अगर आपने साइन नहीं किया है, तो अब आप 1-2 दिन के अंदर आके साइन कर दें उस पर। ठीक है, क्लियर। तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। अपना टॉपिक था प्रिंटर को एक्सप्लेन करना, और कौन सा प्रिंटर एक्सप्लेन करना था। जैसे मैंने बताया कि हम दो प्रिंटर को 2 श्रेणी में बांटे थे, तो वो 2 श्रेणियाँ कौन सी थी, वो 2 श्रेणी थी, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आए थे, जैसे मैंने बताया था डीएमपी, डेसी व्हील, ड्रम और चैन, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आए थे। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन इम्पैक्ट ना थर्मल स्कैन, इंकजेट, लेजर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आते हैं। तो चलो अपन चलते हैं अपनी फाइल पे, जिस फाइल पे अपन ये सब क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी फाइल कहाँ बनी हुई है, आपको पता ही है कि अपन जिस पीसी में अपनी फाइल बनाई हुई है, पीसी नाम से फाइल बनी हुई है, और उस फाइल को अपने को ओपन करना है। तो चलिए मैंने डायरेक्ट उस फाइल को ओपन करके रख लिया है, मुझे भी टास्क बार पे स्टेटस बार पे क्लिक करना है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। और ये मैंने क्लिक किया और ये फाइल आपकी ओपन हो गई। तो ये देखिए, ये मैंने कल जो लिया था, ये ड्रम डेसिबल प्रिंटर मैंने लिया था, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज जो एक्सप्लेनेशन का काम है वो है आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम आप यहीं से समझ लो, आप इसकी जो कहते हैं ना बार बार के शब्दों का बहुत बड़ा उपयोग है, अगर शब्द ही नहीं है तो हम कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते हैं सही ढंग से। तो देखिए ड्रम प्रिंटर इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है,
ड्रम ग्राइंडर किसे कहते हैं, क्योंकि ये ड्रम के आकार का बना होता है, इसलिए इसे ड्रम ग्राइंडर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये ड्रम कैसा ड्रम, आप जानते ही होंगे, आपके घरों में भी ड्रम यूज होते होंगे, आप उनको देखे होंगे। ठीक है, तो ये ड्रम के आकार का, सेम टू सेम ड्रम के आकार का बना हुआ है। अब इसकी देखिए प्रोसेस कैसा करता है, इस इमेज के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस करता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, डेसीमल प्रिंटर पे अपन क्या समझाए थे, ये जो मेटल्स लगे होते हैं इनमें करेक्टर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए जो ड्रम प्रिंटर है, ये एक ही करेक्टर देखिए एक लाइन पे बना हुआ है, दूसरी लाइन पे दूसरा करेक्टर पूरी लाइन पे बना हुआ है, तीसरा करेक्टर तीसरी लाइन पे बना हुआ है, यानी कहा जाएगा एक सीक्वेंस है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स वाई जेड या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये पूरा का पूरा देखिए एक ही लाइन पे लिखा हुआ है, यानी एक ही करेक्टर, अगर टी है तो टी पूरी लाइन पे, ए है तो ए पूरी लाइन पे। ठीक है, अब इससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ये डायग्राम के माध्यम से आप देखिए समझिएगा। देखिए ये ड्रम के आकार का है, लेकिन ये किस तरह से प्रिंट करता होगा, किस तरह से चीजें होती होंगी, तो ये देखिए ये जो एक्चुअली देखा जाए ये हैमर है। ठीक है, और बिना हैमर के काम नहीं होता, हैमर का मतलब है कि ये थोड़ा सा वहाँ स्टिक करेगा, मतलब एक प्रहार करेगा, थोड़ा सा ठोकर मारेगा, किस पे, रिबन पे और पेपर पे। ठीक है, एक तरफ रिबन लगा होगा, बीच में पेपर लगा होगा, फिर आपका हैमर लगा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैमर है और फिर उसके बाद पेपर लगा हुआ है, फिर उसके बाद रिबन लगी हुई है, ये काली पट्टी जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये रिबन है। ठीक है, ये देखिए पूरी काली पट्टी लगी हुई है, तो ये पूरी रिबन है, और इसके बाद ये जो है ये पेपर लगा हुआ है और पेपर के ऊपर हैमर लगा हुआ है। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए हमें सदगुरु प्रिंट करना है, तो ये पूरा घूमता है, सबसे पहले इसको एस मिलता है, ये जब घूमेगा तो जैसे ओ है, एम एन एन है, फिर एम आएगा, इसी तरह तो ए बी सी डी ई एफ सब चलता है, तो सबसे पहले उसको क्या मिले, एस, तो ये यहाँ एस मिल गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, घूम के यहाँ पे आया और एस जाके प्रिंट हुआ, जैसे एस प्रिंट हुआ तो सदगुरु लिखना, आपका एस के बाद क्या आता है, ए आता है, ये फिर रोलर घूमता है, फिर ए पे जाता है, ए प्रिंट होता है, मतलब कहा जाए कि इसकी स्पीड फास्ट होती है, यानी कहा जाए कि 300 करेक्टर से लेके 200 करेक्टर सीपीएस करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से ये मैटर को छापता है, पेस्ट करता है, ठीक है, प्रिंट करता है। क्लियर, तो इस तरह से एस ए डी, फिर डी आया, एस ए डी, फिर जी आया, फिर डी पे आके फिर जी पे आएगा, इस तरह से घूमता रहता है, घूमने के बाद यहाँ ये उस करेक्टर के ऊपर प्रहार करता है हैमर, और प्रहार करने के बाद उस रिबन पे, क्योंकि इस रिबन इस कागज के जैसे जाएगा तो वो रिबन प्रेस होगी, और रिबन का जो कार्बन होगा वो जाके करेक्टर में छप जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको भार वहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर, तो ये इस तरह से अगर हम बात करें तो ड्रम प्रिंटर इस तरह से काम करता है। अगर हम इसकी दूसरी खासियत देखें तो ये कहा जाए कि चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, इसकी क्वालिटी इन प्रिंटरों से सही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लेजर प्रिंटर नॉन इंक्रोजेट प्रिंटर के तरीके से तुलना करें तो वो बेटर नहीं ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंटर बहुत चलते थे, बहुत यूज होते थे, लेकिन अब इनका धीरे धीरे चलन थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा नहीं कि यूज नहीं किए जाते, ये अभी भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इस तरह से ये काम करता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रिंटर पे, जिसको आप चैन प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ये सभी कौन से प्रिंटर है, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी पे आते हैं। ठीक है, पहला डीएमपी, दूसरा डेसीमिल, तीसरा ड्रम, चौथा चैन प्रिंटर। यानी अगर आप रोज इस वीडियोस को, जो वीडियोस बनाई जाती हैं, इन वीडियोस को अगर रोज आप देखते जाओगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, यह हम आपको बता दें। ठीक है, वो एक ही क्लास पे नहीं है, ये भी बता दिए, सभी क्लासेस में, और मैक्सिमम जैसे मैंने बोल चुका हूँ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ये पूछे ही पूछे जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पूरा प्रिंटर को एक्सप्लेन करो,
टाइप आर प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनको पूरा एक्सप्लेन करो 20 नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने सही ढंग से इनको करते चले आए तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये बात आप समझ लो, क्योंकि आपको पूरे की पूरी चीजें ही मिलती जाएंगी। दूसरी चीज, जब आप किसी भी मैटर के बारे में लिखिए तो उसका डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम बनाने में आपको फायदा क्या है, यानी आपको सामने वाला जब बंदा चेक करता है कॉपी तो उसको ये पूरी चीजें मिल जाती है कि आपको डायग्राम मालूम है, मतलब आपके अंदर की चीजें भी मालूम है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट जिसको हम बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ड्स का यूज करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की हैबिट्स बन चुकी होती है कि बहुत सारा लिखना है भले उसमें आपके कोई भी शब्द किसी भी मतलब के ना हो, ठीक, लेकिन वो लिखने को बहुत सारा लिख डालते हैं। तो ये नहीं करना है, टेक्नोलॉजी के शब्द हैं उनको यूज करना है और उन्हें उनको सही ढंग से रीड करना है और डायग्राम के माध्यम से उसको उनको समझाना है, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बीच में आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज को भी ध्यान रखें कि ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं और इन क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे ढंग से रीड करिए, ठीक है। आपके पास वीडियोज हैं, एक बार में दो बार आप देखिए, ठीक, लेकिन आप उसको समझिए, और अगर एक बार आपको समझ में आ गया है तो आप फिर बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से ड्रम प्रिंटर होता है, यानी बहुत सारे जितने भी चीजें हैं मैक्सिमम उनके नाम से संबंधित चीजें ही होती हैं और उनके नाम से मिलती जुलती चीजें होती है। जैसे मैंने कहा कि ड्रम है तो ड्रम के आधार का है, देखिए, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बैठा लीजिए। दूसरा नेक्स्ट है चौथा चैन प्रिंटर, ठीक। अब अपन आते हैं चैन प्रिंटर, ये चैन प्रिंटर है, देख सकते हो आप, ये चैन प्रिंटर किस तरह से है, यह मैं ऐसे कह सकता हूँ कि चैन तो आप जानते होंगे, बाइक की चैन जानते होंगे, साइकिल की चैन जानते होंगे। साइकिल में आप देखते होंगे कि पहले एक बड़ा सा गियर लगा होता है, बड़ा सा, और फिर पीछे शायद आप देखिए एक छोटा सा गियर लगा होता है। लेकिन बड़ा गियर और छोटे गियर का मतलब क्या होता है, क्यों लगे होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उसका संबंध क्यों है ऐसा, छोटे गाड़ी में आप देखिए तो आपको गाड़ी में आगे छोटा मिलेगा और पीछे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको किन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं हम इस पर डिस्कशन जो कर रहे हैं कि चैन प्रिंटर क्या है। चैन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये कहा जाए कि एक प्रकार से बहुत हल्का, यानी कहा जाए कि बहुत हल्का होता है और इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है ड्रम प्रिंटर के अपेक्षा अगर हम इसकी तुलना करें, ठीक है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है ड्रम प्रिंटर से भी ज़्यादा, लेकिन ये प्रिंटर बहुत कम यूज होते हैं, ये आपको बता दें। अब जैसे अब ये किस तरह से काम करता है ये आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये ड्रम के आकार के, यानी कहा जाए कि पाइप के आकार के बने हुए हैं छोटे छोटे, और ये ऊपर से पूरी एक जो रोल जैसे आपको दिख रही है ये एक्चुअल चैन लगी हुई है, और इस चैन पे अगर हम बात करें तो इन रोल्स पे ही नंबर्स लगे हुए हैं, नंबर करेक्टर्स और इंटीजर्स, यानी 1 2 3 4 5 और आपके ABCDEFGH, ठीक है, ये सभी नंबर्स इसमें लगे हुए हैं, इनमें प्रिंट है बकायदे, ठीक है। और ये बैक ऑफ पेपर है, यानी कहा जाए कि यहाँ से पेपर हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये काली रिबन होती है, ठीक, ये पेपर लगा हुआ है इसलिए पूरी रिबन हमें नहीं दिख रही है, अगर ये पेपर हम नहीं लगाए होते तो ये पूरी रिबन हमें दिखती। अच्छा, बार बार एक चीज आपके दिमाग में आती होगी कि ये हफ्ते से रिबन क्यों लगी होती है, ठीक। तो अब आप सोचिए कि अगर रिबन ही नहीं होगी तो आखिरकार वो प्रिंट होगा कैसे। जैसे अभी अभी मैं थोड़ा सा लेजर प्रिंटर की ओर चलता हूँ, ठीक, इसमें देखिए कि एक अलग से पूरा एक बॉक्स की तरह बना हुआ होता है, वो लगा होता है, यानी कहा जाए
कि अगर ये ना हो तो फिर करेक्टर को प्रिंट कैसे करें, यानी अक्षर को उभारें कैसे अपन, ठीक है। तो अगर ये रिबन ना हो तो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जैसे पेन है, आपका पेन तो है लेकिन पेन में अगर स्याही नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। अगर पेन में स्याही नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास प्रिंटर है और प्रिंटर की स्याही नहीं, कलर ही नहीं उसके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, हम प्रिंट नहीं करा सकते। तो ये आप ध्यान दीजिए कि ये रिबन हर में लगी हुई होती है, ठीक है। कुछ में टोनर, जैसे मैं लेजर प्रिंटर की बात करूँ तो टोनर वहाँ लगा होता है, उसको टोनर बोलते हैं, लेकिन टोनर और रिबन में अंतर होता है। ये मैं जब आगे एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट प्रिंटर को, नानी पैड प्रिंटर के सेकंड पेज पर अपन जाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह के दोनों में डिफरेंस होता है और उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो बहुत फास्ट काम करता है। यहाँ पे रिबन होता है जो बहुत सस्ता होता है, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि रिबन बहुत सस्ता होता है और ये अच्छे खासे मतलब बहुत कम रेंज में आपको प्रिंट करके दे देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता आता है इसलिए ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिबन लगा हुआ और रिबन यहीं से हम इसका कागज यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और कागज लगाने के बाद ये जो आपको ये दिख रही है, ये हैमर दिख रही है, सेम टू सेम देखिए यहाँ भी यही हैमर दिख रहा है। फर्क इतना है कि ये हैमर एक ही है, यानी करेक्टर बेस पे हैमर है और यहाँ पे भी करेक्टर बेस पे ही हैमर है यहाँ से यहाँ तक। देखिए जैसे जैसे आप इस पे प्रिंट कमांड देंगे तो ये चैन घूमती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रोलर की तरह घूमता है, ये देखिए ना, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि आप जब रोड बनती है तो रोलर एक चलता है ना, ड्रम प्रिंटर रोलर का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आप देखिए वो पूरा ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह देखिए चैन भी इसी तरह से घूमती रहती है, लेकिन जब चैन घूमती है, जैसे मैंने कहा कि मुझे सदगुरु प्रिंट कराना है तो इसमें भी करेक्टर जो एस होगा यानी यस होगा वो सबसे पहले जाके प्रिंट किया जाएगा, फिर ए प्रिंट किया जाएगा, यानी कहा जाए कि ये चैन की तरह घूम के काम करता है, ठीक है। लेकिन वहां हम देखें तो यहाँ हमारा एक ही लाइन में पूरे पूरे करेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ एक जगह ए मतलब सीरियल तो रहेगा लेकिन आपको इतनी बड़ी लाइन नहीं मिलेगी, ठीक। क्यों? क्योंकि लाइन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि अगर सेम चीजें दोनों में हो जाएगी तो फिर आप ड्रम ही पढ़ लेते, तब चैन प्रिंटर पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या, ठीक है। अगर वही क्वालिटी वही सब चीजें इस प्रिंटर में भी मिलती है तो फिर इस प्रिंटर को हमारा वैज्ञानिक को बुलाने का मतलब क्या होगा। आप देखते होंगे आपका मोबाइल आता है, उस मोबाइल में सेम कंपनी सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन चेंज करती है और थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन चेंज करने के बाद मार्केट में उतार देती है और वो अन्य आपके मोबाइल से भिन्न हो जाता है और उसकी प्राइस अलग हो जाती है। यानी एक या दो फीचर्स उन्हें इन्वॉल्व किया और आपसे 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। तो कंपनी हमेशा ये सोचती है कि मार्केट में जो भी नई चीज़ हम उतारे उन नई चीज़ों में कुछ तो चेंजेस हम कर दें जिससे लोग उस चीज़ को परचेज करने लगे, खरीदने लगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये पेपर हम यहाँ पे लगा देते हैं और पेपर लगाने के बाद प्रिंट कमांड देते हैं, जैसे ये प्रिंट होता है पेपर हमारा यहाँ निकल जाता है, फिर हम नेक्स्ट पेपर हमारा लग जाता है वहीं पे। ये पेपर अलग से अगर आप वो साइज लगाते हैं तो ये वो साइज पेपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंटर हमारे कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से प्रिंटर क्या कौन कौन से प्रिंटर हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर मैं इसकी प्रिंटिंग स्पीड की बात करूं तो ये ड्रम से तेज प्रिंट करता है, ये भी आपको बता दूं। ड्रम हमारा 300 से लेके यानी 300 से लेकर 2000 तक करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से ये टाइप करता है, लेकिन ये हमारा 400 से लेके 2500 CPS, 400 से लेके 2500 CPS, जैसे मैंने बता दी करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से मैटर को टाइम करता है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये आप ड्रम से अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये ड्रम से भी अच्छा प्रिंटर माना जाता है, जो ड्रम से भी अच्छी क्वालिटी आपको देता है। लेकिन अगर हम दूसरे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से डिस्कशन इनका करें या कंपेरिजन करें तो हमें वहाँ पे ये प्रिंटर नहीं काम कर पाएंगे, वो प्रिंटर बहुत
अच्छे माने जाते हैं, क्लियरनेस माने जाते हैं, हाई क्वालिटी के माने जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना, जितना आप पैसा लगाओगे उतनी अच्छी आपको चीज भी मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम सस्ते में भी काम चलाना चाहते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम चला सकते हैं। क्लियर? तो आज से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर वाला। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज हम यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, यानी आपके ये सभी चारों प्रिंटर्स मैंने बता दिया। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, डीएमपी, डेसी व्हील, ड्रम और चेन, ये चारों के चारों प्रिंटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे लेंगे इन प्रिंटर्स को, और उन्हीं प्रिंटर्स को लेंगे जिन प्रिंटर्स पे अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो प्रिंटर आज सबसे ज्यादा मार्केट में हम लोग यूज करते हैं, क्या से प्रिंटर यूज कर रहे हैं, इसका यूज क्या है, ये क्यों अच्छे माने जा रहे हैं, कि क्वालिटी ऐसी है तो इसमें पैसे कितने लग रहे हैं, ये हमें फायदे और नुकसान की भी बातें होती हैं। क्योंकि हम जरूरी है कि जो भी कार्य करते हैं उनके लिए हमें सोचना भी पड़ता है कि हमारा बजट कितना है, बजट के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। चलिए, तो थैंक यू, आज की क्लास अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप नेक्स्ट डे नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। क्लियर?